हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन ऑन अगेन अंड ब्यूटीफुल ट्यूटोरियल एंड इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट होम्योपैथिक मेडिसन ब्राउनिया एल्बा ओके सो अगेन वॉट आई डन इन दूस एपी एम मेडिसन डेट आई हैवि डन इट विद येलो कलर ओके सेम वे दर्पज़ ऑफ राइटिंग ब्राउनिया एल्बा विद येलो कलर इज सेम मीन्स द पेशेंट ऑफ द ब्राउनिया एल्बा जो होता है वो हॉट होता है ठीक है तो इसमें क्या पॉपुलरिटी है एज ए जनरलाइज अगर हम बात करें जो ब्रनी एल्बे का जो पेशेंट होता है ना उसको क्योंकि पेशेंट हॉट है ठीक है तो इसका तो हमें एक जो यूजुअल एक पैटर्न होता है कि अगर हॉट पेशेंट है तो उसको प्यास मतलब हॉट है तो उसे कोल्डनेस चाहिए ठीक है कोल्डनेस कैसे उसे मिल सकती है कि तो एक्सटर्नल टेम्परेचर उसका डाउन हो ठीक है जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर है ठीक है एक्सट्रनाल टेम्परेचर उसका कूल हो या फिर उसको प्यास लगती हो खूब ठीक है तो इसमें एज यूजअली जो पैटर्न है वो फॉलो होता है यानी कि इसका जो पेशेंट होता है वो थ्रस्टी होता है फॉर कोल्ड वाटर ठीक है कोल्ड वाटर को मैंने ब्लू से यहाँ पे शो किया है ठीक है ग्लास जो है यहाँ पे ये यह दिखा रहा है कि जो पेशेंट होता है ब्रबा का ही और शी द पेशेंट इज थ्रस्टी ओके एंड नाउ ऑल्सो जो ब्राहनी अल्बा का जो पेशेंट होता है वो हंगर होता है ठीक है हंगर उसके अंदर इतनी हंगर पावर होती है मतलब हंगर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो बहुत खाता है ठीक है तो ये दोनों जो है कैरेटरिस्टिक जो हमारी एज ए आई कैचिंग ए, मतलब एज ए मेमोराइज फॉर्म में ठीक है हम इसको ए, कर सकते हैं ठीक है एक यहाँ पे मेमोरी में इसका एक स्नैप शॉट ले लीजिए ताकि यहाँ पे आपको ग्लास और हंगर दोनों आपको दिखाई दे ठीक है तो देखिए जो ब्राहनी अल्बा होता है है ना सबसे पहले आप मैं चाहता हूँ कि आप सेकंड स्टेटमेंट पे आप फोकस करो कि ब्राउनिया एल्बा की जो मोडलिटी होती है इज ए की फैक्टर ऑफ डिस की फैक्टर ठीक है ये जो मोडाइलिटी इसकी होती है वो डिसाइडिंग की फैक्टर होती है उसको सेलेक्ट करने के लिए ब्राउनिया एल्बा की मेडिसन को ठीक है एंड बिकॉज ऑफ दिस मोडलिटी ओनली द पेशेंट इज कॉम्पेल्ड टू बिकम स्टैचू ओके तो मजबूर हो जाता है वो अपने आप को स्टैटिक पोर्शन में रखने को ठीक है यानी कि स्टैचू स्टैचू बनने को ठीक है वाई इट वॉट इज द की पिकुलरिटी इन इट्स मोडलिटी डेट कॉम डेट बिकम द रीजन फॉर बिकमिंग द स्टैचू ऑफ ए पेशेंट ठीक है तो इसकी जो रीज़न है वो क्या है कि मोडलिटी में जो एग्रीवेशन है उसका ठीक है फ्रॉम मोशन ऑफ एनी काइंड इन एनी ऑर्गन ठीक है तो ये जो आप देख रहे हो कि मोशन अ मूवमेंट ऑफ एनी काइंड इन एनी ऑर्गन इवन द ब्लिकिंग ऑफ द आई ठीक है जो ब्लिंकिंग हमारी आई जो आईलिट की जो मूवमेंट होने लगता है उससे भी प्रॉब्लम जो है उसकी एग्रीवेट होने लगती है ठीक है ड्यू टू दिस रीजन है ना दिस एग्रीवेशन है ना पेशेंट इज कॉम्पेड टू बिकम द स्टैचू और उसको एमुलेशन जो है किस चीज से मिलता है फ्रॉम द कम्प्लीट रेस्ट अगर वो रेस्ट पे है ठीक तो उसको आराम मिलेगा है ना और अगर वो मोशन में है ठीक है एनी ऑर्गन इवन इट इज ए स्मॉल ऑर्गन लाइक आई टू डू अलियर डेट इज आई बिलिंग मसल और एनी काइंड फ्रॉम द बॉल किंग एक्सेट्रा ठीक है तो ये हो गया तो मोडेलिटी जो है इसकी की डिसाइडिंग फैक्टर है डेट कॉम्पल द पेशेंट टू बिकम द स्टैचू है ना अब देखते हैं इसका जो माइंड होता है ठीक है बैन अल्बा का वो क्या होता है हाईली इरिटेबल होता है हाईली एंगर्ड होता है डिस्पोज टू क्वारलिंग है ना और डेलियस टॉर्किंग अबाउट बिजनेस देखिए जब भी पेशेंट जो है अगर उसको प्रॉब्लम है है ना इतनी इंटेंस प्रॉब्लम है कि अगर उसको लीस्ट मोशन से भी अगर उसको एग्रीवेशन हो रहा है ठीक है तो वो पेशेंट जो है इरिटेबल तो ऑब्वियसली होगा वो नहीं चाहता कि उसको कोई डिस्टर्ब करे ठीक है तो वो हाईली इरिटेबल होगा एंगर होगा अगर इरिटेबल है तो एंगर भी उसका होगा डिस्पोज टू क्वारलिंग ठीक है तो ये हाईली इरिटेबल एंग्री और डिस्पोज टू करें तो हमें मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड आए मगर जो डेलरियस टॉल अबाउट बिजनेस मतलब वो दिन भर में ज, अगर पेशेंट ज़्यादा ही अगर मान लीजिए इंटेंस कंडीशन में है ठीक है तो उस केस में क्या होगा कि जो पेशेंट जो होगा वो दिन भर जो काम उसने किया है ठीक है वो रात वो में वो डेलरियम टॉल करेगा उसके विषय में ठीक है तो ये हमारा माइंड का हो गया अब देखते हैं स्पेयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनिस तो जो ब्रायउनी एल्बा की जो मेडिसन है ना वो वो मेनली मतलब थ्री ऑर्गन में हमारी एक्ट करती है ठीक है एक तो हमारा स्कर्टन मसल्स में जिसमें ब्रायउनी एल्बा के एक्शन से क्या होता है इन्फ्लेमेशन और फिर अल्टीमेटली पेन होने लगता है ठीक है जी आईट्री ट्रैक में किस तरह एक्ट करता है ये हमारे कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस करता है और डायरिया और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ठीक है उसमें क्या करता है ब्रायोनी एल्बा हमारे ड्राइनेस को क्रिएट करता है ठीक है तो ये हमारे स्पेयर ऑफ एक्शन हो गया ठीक है और पैथोजेनिस तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके जो अल्बा है उसके जो स्पेशल स्पेयर ऑफ एक्शन है वो क्या क्या है तो देखिए प्रॉब्लम कोई भी हो अगेन आई एम रिपीटिंग प्रॉब्लम कोई भी हो अगर उसकी मोडालिटी ये है है ना एग्रीवेशन फ्रॉम मोशन एंड एमशन फॉम द कम्पलीटेस्ट देन डेफिनेटली ब्रैनिया एल्बा ओके देखिए स्पेशल एफेक्शन में अगर हम बात करें तो हेडेक पैक का जो हैडक होता है वो क्या होता है हमारे ऑक्सी हमारे पूरे वर्टेक्स में होता है और किस तरह होता है लाइक समवन इज प्रेसिंग द हेड फ्रॉम इन साइड टू आउटवर्ड है ना आप देख रहे हो फ्रॉम इन साइड टू आउटवर्ड ठीक है लाइक टीयरिंग और स्ट्रिचिंग टाइप ऑफ पेन ओके फ्रॉम आउटवर्ड है ना लाइक स्कल इज गोइंग टू बी वर्टेक्स ऑफ द स्कल इज गोइंग टू बी ब्रश्ड है ना तो इससे क्या होगा पेशेंट को एक तो पूरे बोल हेडक उसको होगा ठीक है और ये हैडेक अल्टीमेटली क्या करेगा पेशेंट को कॉम्पल करेगा आई लेट क्लोज मतलब जो पेशेंट जो होगा वो पार्शली आई मतलब पार्शली क्लोज आई सिचुएशन में होगा है ना जैसे हल्का सा आंखें बंद करके वो बैठा रहेगा है ना और इसका जो एग्रेवेशन होगा फ्रॉम मोशन ऑफ एनी कैंड अगेन ठीक है और एमरेशन कैसा होगा इसका कंप्लीट रेस्ट से यानी कि पेशेंट जो है वो चुपचाप बैठा रहेगा है ना उसको सरदर्द होगा और वो कैसा रहेगा हमारी आई मतलब पार्शली आई आई क्लोज करके रखेगा ठीक है पार्शली रहेगा कंप्लीट नहीं रहेगा ठीक है ये पार्शली है ना तो इसका हेडक हो गया नाउ और इसका जो कॉशन क्या हो सकता है अगेन क्योंकि पर्सन जो है वो हॉट है तो उसका हॉट से एग्रीवेशन होगा ठीक है लाइक हॉट वेदर है ना और हॉट फूड हॉट ड्रिंक इन सब से इसका एग्रीवेशन होगा और एमुलेशन उसको हो कैसे होगा एक तो इससे होगा और कोल्ड थिंग से होगा ठीक है मतलब कोल्ड थिंग जैसे कोल्ड वाटर है ना यहाँ पे दिखा मतलब है ना कोल्ड मतलब कोल्ड ड्रिंक है ना अगर हम जॉइंट या स्कल्टन मसल्स की हम बात करें तो इसमें हमारा ये कैसे होता है कि स्केल्टन और जॉइंट में हमारा ये एक्ट करता है और क्रिएट करता है उसमें स्टिफनेस एंड स्ट्रेचिंग पेन ठीक है तो ये है जब हमारी हमारा कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे जो जॉइंट या है मसल्स हमारे स्टिफ हो जाए है ना और वो उनके हल्के से भी मूवमेंट से प्रॉब्लम जो है पेन दर्द होने लगे तो वहाँ के केस में हम ब्रहन अल्बा जो है हम डेफिनेटली हम दे सकते हैं ठीक है अगेन अगर उसकी मोडालिटी जो है सेम मतलब ये वाली है ठीक है ब्रहान्यलबा की मोडालिटी है उसके बाद अगर हम जी आई टी सिम्टम्स की बात करें तो उसमें हमारे दो तरह के सिम्टम्स आते हैं एक तो हमारा कॉन्स्टिपेशन और एक हमारा डायरिया कॉन्स्टिपेशन का रीजन क्या है कि जो म्यूकस मेमब्रेन में जो ब्रहण अल्बा होता है वो डायनेस को क्रिएट करता है ठीक है तो ड्राइनस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम है ना रेक्टम में जो है हमारा ड्राइनस होगा म्यूकस मेम्ब्रेन एबसेंट तो लुब्रिकेशन टेंडेंसी जो है है ना जो हमारे पार्शली अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो और रेक्टम बॉल ठीक है उनके बीच में फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि लुब्रिकेंट एबसेंट है यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस लेयर जो है वो एब्सेंट है तो लुब्रिकेशन टेंडेंसी डिक्रीज होगी उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगा है ना और जब वो मान लीजिए कि अगर वो कर भी देता है ठीक है स्टूल अपने वो पास कर देता है फोर्सफुली तो उसके बाद उसको बर्निंग और सोरनेस और पेन अराउंड द रेक्टम रीजन उसको शुरू हो जाएगा ठीक है तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा इस तरह का उसके बाद डायरिया जो है इसका वो हमारे एक स्पेशल uh, मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कैसे अगर पर्सन जो है ही और शी डिस्पोज टू द डे इन विच डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड देन डेफिनेटली नेक्स्ट डे द will be, will uh, will be in the uh, situation of morning diarrhea. Morning area का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो patient जो होगा वो जल्दी सुबह उठेगा और उठते ही जो है वो bathroom तरफ वो भागने लगेगा ठीक है और उसके बाद इसका भी aggravation जो है from motion ठीक है Motion से होगा और emulation जो है वो हमारे rest से होगा ठीक है वन द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड डेज हमारे हॉट हैं तभी मैंने उसको येलो कलर से शो कर रखा है और नाइट्स जो हैं वो हमारे ठंडी होती है थोड़ा एज कंपेरिजन टू हमारा डे तो इसीलिए इसको जो है नेक्स्ट डे क्या होगा मॉर्निंग डायरिया होगा इसकी मोडलिटी सेम एज अ ब्रैनिया एल्बा ठीक है उसके बाद जो है फीमेल सिम्टम्स इसके काफ़ी मतलब कैरेक्टरिस्टिक हैं है ना तो फीमेल सिम्टम्स हमारे दो तरह के हम कर सकते हैं एक मैचुरल सिम्टम्स और एक नॉन मैचुरल सिम्टम्स तो मैंशुअल सिम्टम्स में क्या है कि इसकी जो मैंसेस होते हैं ठीक है वो किस तरह के होते हैं विकैरियस टाइप ऑफ मैंसेस मतलब जो हमारे नॉर्मल मेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है नॉर्मल मेंसेस में नॉर्मल मेंसेस में हमारे केवल यूट्रीन ब्लीडिंग होती है ठीक है नॉर्मल मेंसेस में मगर जो विकेरियस टाइप ऑफ मैंसेज होता है उसमें क्या होता है यूटरीन ब्लीडिंग के साथ साथ ब्लीडिंग फ्रॉम अदर ऑर्गन्स लाइक नोज़ आइस एक्सेट्रा मतलब विकैरस में दो जगह से ब्लीडिंग होती है मगर नॉर्मल मेंसेस में एक जगह से होती है जहाँ से यूट्रीन से है ना मगर विकैरस में दो तरह दो जगह से एक हमारा यूट्रीन ब्लीडिंग वो तो होगी होगी और साथ ही साथ मेंसेस के टाइम पे ही हमारे ब्लीडिंग फ्रॉम अदर ऑर्गन्स नोज से अगर नोज से हो रही तो हम उसे, उसे एपीटैक्सियल टाइप ऑफ विकैरस मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे और अगर आई से हो रही है है ना जैसे यहाँ पे आप पिक में देख सकते हो कि ये ऑकुलर विकैरस मैंशोरेशन Men's, है ठीक है जिसमें पर्सन जो है वो खून की जो खून के आंसू जो होते हैं वो करता है अलॉन्ग विद मेंसेस ठीक है तो मगर जो ब्रैनिया अल्बा का जो फीमेल होगी वो एपिट epita मतलब नोज वाला जो है है ना उस तरह का विकैरसूस मेंसेस वो देगी ठीक है नाक से खून निकलेगा आंखों से नहीं ठीक है साइकिल इज परफॉर्म बाय द और इज डन बाय द आ, फीमेल पेशेंट और ब्री एल्बा एंड <coughs> इनके जो नॉन मैं सिम्टम्स होंगे वो कैसे होंगे देखिए यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया है, है ना अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से केवल मैंने उसमें क्या शो किया है ब्रिस्ट शो किया और पेल्विक रीजन में शो किया है ठीक है तो यानी कि जो प्रॉब्लम होगी वो इन्हीं दो रीजन में मेनली हमारी होगी ठीक है तो ब्रिस्ट में क्या इनकी प्रॉब्लम होती है कि एक तो ब्रिश इनको हॉट होता है ठीक है बिकॉज द पेशेंट इज ऑलरेडी हॉट है ना और क्या होता है द पेशेंट ब्रिस्ट बिकम वेरी हार्ड लाइक स्टोन ठीक है एंड uh, जब वो चलेंगी तो ब्रिश्ट ऑब्वियसली हमारे मतलब फीमेल में मूव करते हैं जब उनके चलने के दौरान ठीक है सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द एग्री प्रॉब्लम प्रॉब्लम और एग्रीवेशन है ना व्हाट दे डू फीमेल पेशेंट जनरली दे होल्ड देयर ब्रिस्ड बाई वॉकिंग ठीक है तो जो ब्रिस्ट रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम है यानी कि जो स्टोनी हार्डनेस है ब्रिस्ट uh, uh, में है ना और उसके एग्रीवेशन uh, को प्रिवेंट करने के लिए फीमेल पेशेंट क्या करती हैं कि जो ब्रिस्ट uh, को मतलब दे आर कॉम्पेयर टू होल्ड देयर ब्रिस्ट टू प्रिवेंट द मोशन बिकॉज अदरवाइज द प्रॉब्लम गेट एग्रीवेटेड है ना तो ये हमारा ब्रिस्ट का हो गया और पेल्विक रीजन में क्या है? इनकी कैटेस्टिक होती है कि जो पेल्विक रीजन में हमारे सोरनेस इनके होने लगता है ठीक है तो ये हमारे बोथ मैचुरल एज वेल एज नॉन मैचुरल सिम्टम्स हमारे होते हैं फीमेल पेशेंट में अगेन मोडालिटी एज यूजल एग्रेवेशन किससे होगा मोशन से है ना और एमोलेशन किससे होगा हमारे रेस्ट से ठीक है उसके बाद रेस्पैरेटरी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे पहले क्या हम देखेंगे देखिए मोडालिटी वाले जो सिम्टम्स हैं वो तो एज यूजल है कि जैसे अगर पेशेंट में कोई अगर रेस्पैरेटरी प्रॉब्लम है और उसको एग्रीवेशन से उसको किसी भी प्रकार के मोशन से उसको एग्रीवेशन हो रहा है जैसे मान लीजिए कफ़ है ठीक है जब इंसान जब खांसता है तो उसकी पूरी बॉडी हिलती है मतलब एक उसको जर्क लगता है बॉडी में स्नीजिंग में भी जर्क लगता है ठीक है तो सब एक तरीके के हमारे मोशन है तो इनसे भी जो है प्रॉब्लम एग्रीवेट होगी ये तो हम यूजली मतलब समझ सकते हैं मगर साथ ही साथ जो है जो एक स्पेशल इसमें कैटस्टिक होता है ये क्या होता है कि एयर हंगरी का मतलब पेशेंट जो होता है वो एयर हंगर होता है ही और शी वॉन्ट टू एक्सपैंड हिज हिज और हर लंग ठीक है एयर हंगर होता है तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा है ना उसके बाद जो है लास्ट में सुपरफिशियल एंड स्किन अपेरेंस तो इसको जो है इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्किन में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है तो ये हमारा बताया गया है तो नोज में जो है या माउथ में है ना इन दोनों इन दोनों रीजन के अराउंड जो स्किन है स्किन कैसी हो जाती है हमारी रफ हो जाती है एंड क्रैक हो जाती है क्योंकि तो पेशेंट हॉट है ठीक है तो हॉट जब है तो उसमें वाटर का एक तरीके से एज ए मतलब कॉमन मतलब जनरल अगर ऑब्जर्वेशन करें तो उसमें जहाँ पे हॉट होता है तो वहाँ पे ड्राइनेस ऑब्वियसली होगी और जहाँ ड्राइनेस होगी तो वहाँ पे रफ़ और अल्टीमेटली वो क्रैक हिस्सा तो हो ही जाएगा और साथ ही साथ जो मोस्ट पिकुलर चीज़ जो है वो क्या है इसमें हमारी सेबोरिया ठीक है यानी कि जो सेबेसिस ग्लैंड है स्किन के ऑल ओवर उनमें क्या होता है बहुत ज़्यादा सीग्रो होने लगता है जिसके कारण कि हमारी जो स्किन है वो ग्रीसी बन जाती है तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी ब्राउनिया एल्बम है ना एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद एंटर होम्योपैथिक मेडिसन